अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और आप सबको बहुत बहुत इस्लामी साल मुबारक हो। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला सबको अपने घर में खुश और आबाद रखे। तो आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल पराठा। तो वेजिटेबल पराठा आज हम बना रहे हैं, क्रिस्पी सा, बहुत मज़े का होता है और बनाने में भी बहुत इजी है। तो इसके लिए हमने लिया है हरा धनिया और हरी मिर्चें, और ये है वो हरा प्याज, ग्रीन अनियन, और ये लिया हुआ है मैंने यहाँ पे पालक, पालक बोलें या उसके सावी बोल दें, यहाँ पे तो सावी बोला जाता है। तो ये बस इसके टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। और जस्ट अब हम इसे ये देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हम लेंगे पालक ले लेंगे, और अच्छा इसमें पुदीना भी बहुत मज़े का लगता है, तो लेकिन मेरे पास पुदीना ख़त्म हो गया था तो इस वजह से मैंने इसको ऐड नहीं किया है। आप चाहें तो इसमें पुदीना मतलब डाल सकते हैं, एक अच्छा फ्लेवर और खुशबू आती है। तो ये ले लेना है, और इसमें ये हरी मिर्ची हमने डाल लेनी है सही, और ये हरा प्याज, बस ये लेकर अपने इसमें आपने मिलाना है सिर्फ जस्ट नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये नमक मिलाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको हमने ऐसे मिक्स करना है। अच्छा, आटा मैंने जो है वो पहले से भून के रखा हुआ था ताकि जल्दी जल्दी बना लिए जाए पराठे। अब ये आप सुबह के नाश्ते में बनाएं, दोपहर में बनाएं या रात में, तो बहुत ही मज़े के लगते हैं खाने में, बहुत ही डिलीशियस। आप ज़रूर एक बार इसको ट्राई करिएगा। चलें, ये नमक फिक्स हो गया इसके अंदर। ये देखें, आटा लेकर आपने और इस तरीके से इसको छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं दो, ठीक है ना। तो बाकी ये कि ये मैंने एक ले लिया था पेड़ा, तो मैं इसको सिंपल जैसे हम रोटी बेलते हैं सेम इसी तरीके से हमने इसको बेलना है सेम। तो ये देखें, इस तरीके से आपने मतलब रोटी बेल लेनी है, ठीक है ना, छोटे छोटे पेड़े ले गए। और ये जो हमने बनाया हुआ था वेजिटेबल का मिक्सचर, तो ये हमने इसमें डाल देना है इस तरीके से। ये देखें, तो इस तरीके से ये देखें, आप इसको जितना मतलब इसको भर सकते हैं आपकी मर्जी है, मैं थोड़ी ज़्यादा अच्छी फिलिंग कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत मज़े का लगता है, यानी कि जितनी वेजिटेबल्स होती हैं तो ये उतने का ही इसमें मज़ा आता है खाने में। बस ये कर इस तरीके से दूसरा वाला जो है वो हमने इसके ऊपर वो ऐसे कवर कर देना है ऐसे साइडों से। ये देखें, बहुत प्यार से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हल्का सा हमने इसको ऊपर से ऐसे बराबर कर लेने दोनों तरफ से। अच्छा, तो इसको बस ये हो गया। मैंने यहाँ पे तवा पहले से रखा हुआ था गरम करने के लिए, तो ये अच्छा खासा गरम हो चुका है। अच्छा, आप इसको किसी से भी बना सकते हैं, ऑयल से
या घी से बना सकते हैं। तो मैं इसको बना रही हूँ घी के साथ। अच्छा, हमने जो पराठा है वो बहुत ज़्यादा तेज आंच पे नहीं पकाना और हल्की नॉर्मल आंच पे जैसे आप उसको रखेगा, वरना फिर वो जल ना जाएगी। अच्छा, आप इसको ऑयल से बनाएं घी से बनाएं आपकी मर्जी है, इधर मैं घी यूज़ कर रही हूँ। तो मैं हल्का सा घी लगा रही हूँ, सही है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो दूसरी साइड भी इसकी तकरीबन सिक गई है, तो अब हम इस साइड पे भी लगा देते हैं घी। बहुत माशाल्लाह से अच्छी खुशबू आ रही है वेजिटेबल्स की। तो इसको आप तो किसी के साथ भी खा सकते हैं, जैसे कि रायते के साथ खा लें, चटनी के साथ खा लें, ये सब्जी के साथ बहुत मज़े का लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी खुशबू से भूख लगने लग गई है। तो ये जो है चूल्हा मैंने हल्का कर दिया, ये हमारा पराठा हो चुका है फाइनल, अब गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो आप चाहें तो इसके पीसेस कर सकते हैं, ठीक है ना। गरम गरम बहुत हो रहा है ये, इसको हाथ बचा के। ये देखिए, चाहे आप टू पीसेस कर लें, ये देखें इस तरीके से इसका। ओहो हो, ये देखें इस तरीके से, मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक आएगा। ये देखें, देख रहे हैं आप, चाहे दो इसके मतलब पीसेस कर लें, चाहे फोर कर लें। सही, तो इस तरीके के से ये पककर मतलब आपका भी इंशाल्लाह ऐसे ही पकेगा जब आप इसको ट्राई करेंगे। तो ये देखें, आप इस पराठे को दही ले लें, दही के साथ भी खा सकते हैं, अचार के साथ भी इसको आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो बना के देखिएगा, बहुत मज़े के लगता है ये, सही है। तो उम्मीद है आज की आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।